हम अभी विद्यापति के मऊ में मौजूद हैं और उसी घर पे मौजूद हैं जहां एक साथ एक नहीं पांच लाश लटकी हुई मिली थी। जी हां, मैं बात कर रही हूं मनोज झा की, जिनके घर में एक साथ एक नहीं पांच लाश मौजूद मिला था, वो भी फांसी के फंदे में लटका हुआ। पिछले 3 दिनों से यहां लगातार बहुत सारी पार्टी के लोग और बहुत सारे विपक्ष पार्टी के लोग लगातार आ रहे हैं और यहां पे आने के बाद उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। बहुत सारे लोग आश्वासन दे रहे हैं, बहुत सारे लोग मदद की बात कर रहे हैं, लेकिन जहां तक अभी तक हमारी बात उनके परिवार वालों से हुई है, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई मदद नहीं दिया गया है। यही सच्चाई है, क्योंकि हमने सारे लोगों से बात करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की। उसके साथ ही अभी यहाँ पे मौजूद हैं भूमिहार एकता मंच के बहुत सारे सदस्य हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो कि यहाँ पे अभी मौजूद हैं और इनके पीड़ित के परिवार वालों से मिलने आए हैं, उनसे बातचीत की हैं और लगातार पिछले आधे एक घंटे से मैंने देखा ये यहाँ पे मौजूद हैं और बातचीत लगातार किए जा रहे हैं। हमारे साथ इस भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हैं। सर, अभी आप यहाँ पे आए हैं, सारे चीज़ों का मुआयना किए हैं, क्या लग रहा है कहाँ तक ये चीज़ें सही हैं? इसके लिए एक्सपर्ट बता सकते हैं क्या मामला है, लेकिन मुझे लेमन के हिसाब से अगर आप जाने पर आप लोग के जैसे पब्लिक के हिसाब से, तो मुझे कहीं से ये घटना प्रतीत नहीं होता सुसाइड का जी। ये कहने के मर्डर घटना मुझे लग रहा है। अब कैसे हुआ है, किसने किया है, ये थोड़ा जांच का विषय है। डीएसपी साहब आए हुए हैं और उनसे मैंने पूछा, प्रश्न किया भाई कि 48 घंटे बाद क्यों FIR होता, तो उन्होंने मुझे स्पष्ट जवाब दिया कि जब आप FIR करेंगे तभी ना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता घटना हो जाने के बाद पुलिस का या मानव का नाते मानवता भी ये कहती है कि पुलिस ऐसे घटने में तुरंत त्वरित कार्रवाई करे और नैतिकता के आधार से उसका FIR तो उसी दिन हो जाना चाहिए था। सर, जब प्रशासन आके खुद देख के जाती है कि लाश पाँचों टंगी हुई है और उसका मुआयना करके जाती है, तो फिर यहाँ पे सवाल कहाँ से उठता है कि FIR दोबारा दर्ज होगा? ये आपके बिहार सरकार और राजतंत्र का जो परिधि है, कितने घिरा हुआ है, कितना जाल में फंसा हुआ है, कितने पेंच है, ये बताता है कि पुलिस, अगर पुलिस के कोई सीनियर अधिकारी बताते हों कि मुझे 48 घंटा बाद FIR किया गया है और तो मैं FIR ले आऊँ, ये तो आप समझ सकती हैं अच्छे से कि मामला क्या है। और साथ ही सर एक चीज़ और पूछना चाहेंगे आपसे कि आप पिछले यहाँ आधा घंटा एक घंटा से यहाँ के लोगों से, उनके परिवार वालों से बात की है, मैं देख रही हूँ पिछले 3 दिन से लगातार यहाँ पे पार्टी पक्ष के और विपक्ष के जितनी भी पार्टियाँ हमारे बिहार में हैं सारे लोग आ रहे हैं, क्या लगता है उन इन परिवार वालों को किसी भी प्रकार की कोई मदद मिल पाई है? मुझे जानकारी अभी तक नहीं, मैं उनके परिजन से भी मैं आपके सामने बात किया था, उनको मैंने पूछा जितनी भी राजनीतिक पार्टियां आई है आपके विकास सहायता के लिए, जो अभी दैनिक भत्ता जो होता है, जब जो अभी खर्चा चलेगा उसके लिए कोई 1 रुपया भी देने का काम किया, उन्होंने स्पष्ट रूप से मुझे बताया अभी तक किसी भी राजनीतिक पार्टी का मैं 1 रुपया नहीं जानता हूँ, किसी भी सरकारी लाभ जो होनी चाहिए मेरे तरफ मुझे वो मुझे नहीं मिला है। और मैं संगठन की तरफ से मैं आया हूं और मेरे साथ घर का परिवार का ये घटना है, मैं स्पष्ट चाहूंगा इसमें कि जो भी लाभ मेरे संगठन की तरफ से हो सकता है, अपनी तरफ से हो सकता है, मैं करके जाऊँ। कहीं से किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिला है तो वहाँ यहाँ आने का क्या मतलब रह जाता है? सिर्फ राजनीतिक गोटियाँ सीखना, राजनीतिक लोगों के तो जो उनका पर्पज़ था उन्होंने अपना सोल्व किया है, बस वही चीज़ तो है। आप समझ रहे हैं कि वो एक होता है ना है कि भाई कहीं पे जाके लोकप्रियता को गेन करना, लोकप्रियता पाना कि भाई फला बाबू भी आए थे, फला पार्टी से भी लोग आए थे, यहाँ के 10 लोग तो जाने कि हाँ ये फला बाबू भी आए थे, लेकिन फला बाबू आके क्या करके गए ये तो उनको मतलब नहीं, उन तो अपना आए अपने गाड़ी से बेचारे चले गए AC में बैठ के। क्या आप लोगों के मंच के द्वारा, आपके जो भी हैं इनके द्वारा क्या मदद किया जाएगा पीड़ित को? देखिए, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच की तरफ से मैं बताऊं आपको, संगठन की तरफ से उनकी एक बच्ची अभी कुंवारी है, उनकी तो शादी का पूरा बीरा भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच उठाएगा, अगर मुझे जानकारी जहाँ तक तो पता चल नहीं है क्या नहीं, नहीं, दोनों की शादी हो चुकी है। अच्छा खैर, एनीवे उनकी दैनिक भत्ता भी तो त्वरित करवा, इनके श्राद्ध का पूरा कार्य जो होगा कर्मकांड का या फिर उसमें जो भी अपनी तरफ से जो अरेंज करेंगे उसका पूरा खर्च भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच संगठन की तरफ से दी जाएगी और वह राशि अभी तुरंत दी जाएगी, ठीक है ना? और उसके बाद से जो आगे का जीने खाने के लिए क्या हो सकता है उस पर पहले हम लोग विचार करके, हमारी कोर कमेटी है, हम लोग आपस में विचार करेंगे कि इसकी परवरिश कैसे हो। प्रशासनिक कार्रवाई भी कहीं ना कहीं अपनी लचर व्यवस्था का पहचान दे रही है, इसके लिए क्या आप लोगों की कोई पहल होगी? निश्चित रूप से होगी, वो तो उसको भी मैं नहीं छोड़ूंगा इतनी आसानी से, जितना आसानी से मुझे DSP साहब जाए, बाकी साहब ने बताया कि मैं कर्तव्यनिष्ठ और बहुत ईमानदार अधिकारी हूँ, 48 घंटे बाद मुझे FIR मिला इसलिए मैं FIR किया हूँ, तो उसका भी हम पूछेंगे जवाब अपने सरकार से कि भाई ऐसे एक सीनियर अधिकारी बोलते हैं जो SDPO हैं आपके कि भाई 48 घंटे बाद FIR होना चाहिए, तो जिस दिन घटना घटी थी, जिस समय घटना घटी थी उस समय ही उनके घर में कोई नहीं थे जो FIR कर सकते थे, तो स्वतः उनको FIR करना चाहिए था।
और दूसरी बात यहाँ पे उठता है कि इसके बाद यहाँ से जाने के बाद 48 घंटे पुरने को है, आज शाम में 48 घंटे पुर जाएंगे, अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया, ये कहाँ तक सही है? मैडम ओवरऑल मैं बताऊँ, राजतंत्र में जो भी वो चाहेंगे वो करवाएंगे, चाहे सरकार किसी पार्टी को, मैं जेडीयू को और आरजेडी को और बीजेपी को बदनाम नहीं करूँ, ये सावर्ण दोष ही हम लोगों में सबसे बड़ा दोष है, हम लोग सावर्ण कुल में जन्म लिए हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे दोष में है, हमारे ये कहे तो दूसरे कास्ट में अगर होती ये घटना तो अभी तक ये कोई जवाब देने वाले नहीं होते, अभी लगातार यहाँ पर पुलिस की छवनी आई होती, 10 बार पुलिस वाले लोग आते, 10 वैसे नेता आते जो कि बोलते बरसात कर देते पैसों का, ये गलत यहाँ है कि हम लोग सावर्ण कुल में जन्म लिए हैं, इसी की खमियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ आए और परिजनों को अपने तरफ से मदद कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ ब्राह्मण भूमियार एकता मंच, जो कि यहाँ पे आके परिवार वालों से जो भी लोग यहाँ पे हैं अभी मौजूद उस परिवार के, उनसे बातचीत की और इन्होंने जहाँ तक संभव हो लाभ देने का और उनका मदद करने का कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मैं बात करूँ बिहार सरकार की और विपक्ष पार्टियों की, लगातार लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जमावड़ा दिख रहा है, लेकिन कहीं से भी कोई भी लाभ, कोई भी मदद परिवार वालों को नहीं मिल रहा है। आप समझ सकते हैं कि जिस परिवार में 5 लोग एक बार मौत के घाट उतर जाते हैं उस परिवार पे क्या बीत रहा होगा। और सब मैं एक चीज़ और नोटिस की हूँ यहाँ जाने के बाद, अभी तक इस घर में कल तक सही नहीं है, इतनी भीषण गर्मी में पानी के बिना इंसान मर भी सकता है, इस घर में अभी तक एक कल सही नहीं है जिससे यहाँ के मौजूद लोग पानी पी सके, तो ये स्थिति है यहाँ की घर की। और एक तरफ हमारा बिहार सरकार कहता है कि गाँव जाके घर घर नल जल लगाते हैं, यहाँ कल भी सही नहीं है, तो ये स्थिति है साफ तौर पर यहाँ पे देखा जा सकता है। अब देख, राष्ट्रीय जनजन पार्टी के समस्तीपुर जिला के जिला अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप भी यहाँ पे आए हैं और मनोज झा वाले केस में आप ही सारे इनके परिजन से भी बात किए, देखे हैं क्या लग रहा है कि ये एक सुसाइड है या मर्डर? मर्डर है, ये डायरेक्ट मर्डर हो ना हो, लेकिन जो सिस्टम है अपने यहाँ का या जो समाज का रवैया देख रहे हैं उससे कहीं ना कहीं मर्डर ही प्रतीत हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। मर्डर का डायरेक्ट मर्डर करके नहीं, लेकिन जो दबाव का होता है, चाहे कर्जा हो या जो कमी से जूझ रहे थे, एक पानी का व्यवस्था नहीं है, कितना पार्टी के लोग आए, हम ये दे दिए, हम वो दे दिए, उनके दमा दिखलाए हैं पासबुक में, देखिए हमको कहीं 1 रुपया आया है दिखाए हैं, जो कहीं 1 रुपया हमको अभी तक मदद नहीं मिला है। हम लोग आए हैं भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच आशुतोष जी और राष्ट्रीय जनजन पार्टी से, जो करना होगा या नहीं करना होगा यही पर ऑन स्पॉट करेंगे, सबों के सामने करेंगे, इसलिए कि हमको कुछ लेना नहीं आने, हमने समाज का बात, हमको क्या कोनो पार्टी तो है नहीं। 48 घंटे हो जाएंगे आज शाम में, अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया, ये कहां तक सही है? डीएसपी साहब आए हुए हैं, बात कर रहे हैं, हम लोग गए मिलने के लिए तो रूम बंद करके बात कर रहे हैं, क्या इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वही जाने, कौन किसकी कमी के कारण, किसके लापरवाही के कारण ये हो रहा है? ये लापरवाही प्रशासनिक भी है और गांव समाज का भी है, मुखिया हो चाहे सरपंच हो, इतना बड़ा कांड हुआ अभी तक सही से जो क्रियाकर्म हो रहा है होना चाहिए वो भी नहीं हुआ, प्रतिनिधि का भी कमी है, किसका दोष है? समाज का ना दोष है, इसके लिए बाहर के समाज के लोग तो नहीं आएंगे, यहाँ के समाज का लोग का दोस्त बहाना बनाए जो, लेकिन उनका अधिकार बनता है, परिवार का लोग तो दुश्चिंत है, जितना टेंशन में हो सकता है कुछ गलत ही बोल दिया, उस बात को लेकर पकड़ के बैठ जाएंगे, बेटा नहीं है तो बेटी नहीं देता है, नाती नहीं देगा, ये तो गलत इन लोग का प्रथा है, क्या बोलेंगे सब इसको बोलते, हम भी उसी अति से हैं समाज। क्या, क्या मांग होगी सरकार से कि जल्द से जल्द क्या होना चाहिए इन लोगों के साथ? पहले तो इसका सही जांच हो जिनका क्या अति था, और जो मुआवजा तो अभी तक मुखिया जी को आके देना था तो भी नहीं, कोई मदद नहीं मिला। हाँ, जब घर में परिवार में जिस किसी भी गरीब के परिवार में तो मुखिया जी के द्वारा भी 3,000 या 5,000 का प्रावधान दिया जाता है, कभी अंत्योष्टि योजना, लेकिन ये तो संजोग है जी सवर्ण है तो महाराजा है, दलित है उससे फर्क नहीं, जमींदार है, इनको कोई कमी नहीं है, इनको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। और ऐसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ आए, सारी घटनाओं का मुआयना किए, क्या लग रहा है 3 दिन बीत गया, सही से कितना हद तक काम हो पा रहा है? अभी तो कुछ काम हुआ नहीं है जहाँ तक हमने देखा है, अभी 1-1.5 घंटे से मैं यहाँ पे हूँ, और डीएसपी साहब की बातों का मुझे बड़ा बुरा लगा, उनसे हम लोगों ने पूछा कि सर 4th दिन है और अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, तो फर्दर उनका कहना हुआ कि मैं बड़ा निष्ठावान और कर्मठ लोग हूँ और ईमानदारी से काम कर रहा हूँ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, तो इतनी ईमानदारी से तो काम कर रहे हो, देख ही रहे हैं हम लोग भी, और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों ने भी इस मैटर को संज्ञान नहीं लिया, और हमको लगता है कि संज्ञान नहीं लेने का मेन रीज़न ये है कि बेचारे सवर्ण थे और सवर्णों की खोज खबर लेने वाली आज में बिहार सरकार में कोई नहीं है, अगर कोई सवर्ण आगे आता भी है सवर्ण की राजनीति करने के लिए या उनकी खोज खबर लेने के लिए, जैसे पप्पू देव जी आए थे तो उनको नीतीश कुमार की सरकार ने मरवा दिया गया,
तो सवर्णों के साथ अत्याचार करवा रही है और न जनप्रतिनिधि ध्यान दे रही है, न यहाँ की पुलिस प्रशासन ध्यान दे रही है। और आपने अभी बहुत अच्छी बात नोटिस की है कि इनके घर में यहाँ के जनप्रतिनिधि को चाहिए था कि कम से कम नहीं कुछ तो पानी का अरेंजमेंट करवाते, चूँकि लोगों का आना जाना लगा हुआ है और खुद परिवार डिस्टर्ब है, तो उनके लिए अगर पानी की व्यवस्था भी करवाते तो अच्छी बात होती, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है इन लोगों से, तो इनकी इंसानियत मर गई है यहाँ के लोकल जो जनप्रतिनिधि हैं। मेरा मानना है ऐसा, मैं भी राजनीति करता हूँ, लेकिन ऐसे मुद्दे को राजनीति करने से लोगों को बचना चाहिए। अभी हमने सुना कि किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इनका अकाउंट नंबर 3 दिन से लिया हुआ है, लेकिन अभी तक वहाँ कुछ आया नहीं है, तो बहुत शर्म की बात है। या तो आप लीजिए, नहीं लिए हैं तो दीजिए। और मैं राष्ट्रीय जनजन पार्टी का मुजफ्फरपुर इकाई का जिला अध्यक्ष, मैं भी ऐलान करता हूँ कि हमसे जहाँ तक बन पड़ेगा, अभी आप लोगों के सामने में ही इनकी पूरी कोशिश करेंगे कि समस्या का समाधान किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे जिला अध्यक्ष जनजन पार्टी के, जिन्होंने साफ तौर पे कहा, हालांकि घुरा फिरा के मैटर एक ही जगह जाके अटक जाता है, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था। कहीं से भी किसी भी चीज़ का निवारण तभी होगा जब हमारा प्रशासनिक व्यवस्था सुधरेगा और सख्ती रूप से काम करेगा, निष्पक्ष रूप से काम करेगा, तभी हमारा प्रशासनिक व्यवस्था इतनी लचर हो गई है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी इस पे उंगली उठा सकता है। देखना ये है कि बिहार सरकार हमारी प्रशासनिक व्यवस्था कितनी जल्दी इस पे पहल करती है या करती भी है या नहीं, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है जब गरीब जब लाचार व्यक्ति के घर में होता है तो हमेशा मुद्दा दब ही जाता है, उसका कोई न्याय नहीं मिल पाता। क्या होता है सारा जानकारी हम आपको देंगे। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।